आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। कैसी लग रही है ये देखने में? तो हमारी डिश बनकर तैयार है। हेलो गाइस, दिस इज सोनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज की जो हमारी ब्लॉगिंग होने वाली है, एक रेसिपी ब्लॉगिंग है, वेज ही है क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। तो मैं आज ये बनाने जा रहा हूँ आप सभी के लिए। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बहुत से लोग इसे नहीं खाते इस सब्ज़ी को, बट मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ उस तरीके से आप भी बनाइए और खिलाइए अपने फैमिली को, और फैमिली की वाह वाही लूटिए। तो आप सभी मेरा ये वीडियो अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और बगल में रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाएँ। कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, चलते हैं अपनी रसोई की ओर। ये रही वो सब्ज़ी। आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई और चने की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे ताज़ी ताज़ी तुरई लिए हुए हैं 4 पीस। ये मैंने 50 ग्राम चने ली हुई है जिसे मैंने एक रात भिगो के बॉईल करके ले लिया है, और 6-7 कलियाँ लहसुन की, अदरक के 2 टुकड़े, 1 टमाटर, 2 प्याज और हरी मिर्च, और उसके साथ है हरा धनिया। और जो पाउडर मसाले हम इसमें ऐड करेंगे वो मैं आपको कुकिंग करते वक्त बताता हूँ, तो मेरे साथ आप बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने यहाँ पे गैस ऑन किया और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होती है कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ सरसों का तेल। मैंने यहाँ तुरई को अच्छे से धोकर छील कर इसके छिलके उतार कर इसे अच्छे से काट लिया है ऐसे स्लाइसेस में। मैंने यहाँ प्याज के टुकड़े, हरी मिर्च, लहसुन के टुकड़े और अदरक को ग्रेट करके लिया हुआ है। टमाटर को मैंने ऐसे काट लिया है, और ये भिगो कर उबले हुए चने मैंने लिए हुए हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है तो इसे हम फैला लेते हैं अच्छे से कढ़ाई में। इसके बाद हम इसमें ज़रा सा ये जो ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, इसे दे रहे हैं, ये चटक जाए। उसके बाद इसमें हम ये प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के टुकड़े ऐड करते हैं। हमें अच्छे से गुलाबी होने तक भूनना है। और हमारे प्याज जो है वो हल्की गुलाबी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं ये टमाटर। हाँ,
और उसमें ये चने हमें इन्हें अच्छे से भुनना है। और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे हल्दी, जीरे का पाउडर, हल्दी हाफ टेबल स्पून, जीरा हाफ टेबल स्पून, धनिया का पाउडर हाफ टेबल स्पून, ज़रा सा पेपर पाउडर यानी गोलकी का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। कलर देने के लिए हम इसमें हल्का कसूरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। और हमें इसे अच्छे तरीके से भूनना है। और साथ ही हम इस पे हल्का सा नमक मिलाते हैं, क्योंकि हमें तुरई मिलाने के बाद भी इसमें नमक मिलाना होगा। बस हमें टमाटर को हल्का सा मुलायम करने के लिए यहाँ पे फ्राई करना है। ये देख सकते हैं आप सभी देख पा रहे होंगे, ये मसाले जो है आपस में भून चुके हैं और हमारा टमाटर भी अच्छे से गलने लगा है। तो इसी वक्त हम ये तुरई जो है इसे ऐड करते हैं इसमें और इसे हम ढक देते हैं, क्योंकि तुरई में काफ़ी सारे पानी निकलते हैं, इसलिए मैंने इसे बाद में डाला। ये मसालों के साथ अच्छा पक जाएगा। और अब हम इस पे दोबारा नमक ऐड कर देते हैं, आप स्वादानुसार नमक ऐड कीजिए। अच्छे से मिला दें। पंद्रह मिनट बाद हम इसे वापस देखेंगे, इसे मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। तो 15 मिनट हो चुके हैं और अब देख लेते हैं कि हमारी तुरई जो है कितनी गली है। देखिए ये गलना स्टार्ट हो चुकी है। हमें इसे पूरा गलने तक ऐसे छोड़ना होगा। तो अब हम इसे दोबारा से ढक देते हैं। दोबारा देख लेते हैं हम हमारी सब्जी कहाँ तक हुई। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो सब्जी है ये लमसम पिघलने वाली है पूरी की पूरी, और इसे हम अच्छे तरीके से और फ्राई करना होगा। लग रही है ना टेस्टी और लज्जेदार। तो आप भी ऐसे ही बनाएं और अपने फैमिली के साथ खाकर एंजॉय करें। इसमें हमें पानी ऐड नहीं करनी है, क्योंकि तुरई से इतना पानी निकलता है कि वो सब्ज़ी गलने के लिए काफ़ी होता है।
फिर से ढक देते हैं इसे। तो आइए देख लेते हैं हमारी सब्जी तैयार हुई या नहीं। आप सभी देख पा रहे होंगे हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है और बस हमारी सब्जी जो है वो बनके तैयार है। तो अब हम इसे इसमें ये जो हरा धनिया है इसे हम डाल देते हैं। मेरा ये रेसिपी ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज तक का वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।